हमारा आज का टॉपिक है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको कि हम OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं, OHP भी कहते हैं इसको। और ये AB एड है, इनकी ऑडियो विजुअल एड में से एक एड है ये ओवरहेड प्रोजेक्टर। इज़ ए वेरी बेसिक बट रिलायबल टूल है, यूज टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन टू ए स्क्रीन और वॉल। इसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज है वो स्क्रीन पे या वॉल पे हमें दिखाई देती है, और इस तरह से टीचर ओवरहेड प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन पे पढ़ा सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि मान लो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर यहाँ पे है, तो इसकी मदद से यहाँ पर इमेज प्रोजेक्ट हो जाएगी और वो स्टूडेंट्स को बता पाएगा। तो ये जो डिवाइस है या टूल है, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। देन एन ओवरहेड प्रोजेक्टर और OHP लाइक ए फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर यूजेस लाइट। ये क्या करता है, लाइट का यूज़ करता है टू प्रोजेक्ट एन एनलार्ज इमेज ऑन ए स्क्रीन, जिसकी मदद से क्या होता है, स्क्रीन पे एक बड़ी इमेज आ जाती है। अलाउंग द व्यू ऑफ ए स्मॉल डॉक्यूमेंट और पिक्चर टू बी शेयर्ड विद ए लार्ज ऑडियंस। तो एक स्मॉल जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे जाके बड़ी हो जाती है और लार्ज ऑडियंस पे, या कह सकते हैं कि लार्ज स्टूडेंट को उसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो क्या है ओवरहेड प्रोजेक्टर, लाइक ए फिल्म और स्लाइड प्रोजेक्टर यूजेस लाइट टू प्रोजेक्ट एन एनलार्ज इमेज ऑन ए स्क्रीन अलाउंग द व्यू ऑफ स्मॉल डॉक्यूमेंट और पिक्चर टू बी शेयर विद ए लार्ज ऑडियंस। इन द ओवरहेड प्रोजेक्टर द सोर्स ऑफ द इमेज इज ए पेज साइज शीट्स। इस पेज की तरह शीट्स होती हैं जो इनको कि हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसीज बोलते हैं या तो या फॉइल्स बोलते हैं, ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म होती हैं ये, विद द इमेज टू बी प्रोजेक्टेड आइदर प्रिंटेड और हेड रिटन और ड्रॉन। तो ये जो ट्रांसपेरेंसीज बनाते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के लिए, या तो इसमें लिखा जाता है या इसमें प्रिंट किया जाता है या इसमें ड्रॉ किया जाता है। दीज आर प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट ऑफ द प्रोजेक्टर विच हैज़ ए लाइट सोर्स बिलो। इसको क्या किया जाता है, जो लाइट ये ग्लास प्लेट होती है इस पर रख दिया जाता है और नीचे से यहाँ से लाइट आती है। एंड ए प्रोजेक्टिंग मिरर एंड लेंस, इसके ऊपर क्या होता है, प्रोजेक्टिंग मिरर होता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टिंग मिरर एंड लेंस असेंबली अबव इट, दे वर वाइडली यूज इन एजुकेशन। तो इस वाली इमेज से हम समझ सकते हैं, इसमें ये जो ग्लास प्लेट है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखी रहती है, यहाँ पर मिरर होता है और नीचे से इसमें लाइट आती है और उसकी वजह से यहाँ पर प्रोजेक्ट हो पाता है कोई भी इमेज। नेक्स्ट आता है पर्पजेज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर, उनके उद्देश्य क्या होते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के। तो पहला है टू डेवलप कंसेप्ट एंड सिक्वेंसेस इन सब्जेक्ट मैटर एरिया। कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसमें हम डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा वो बड़ी पिक्चर्स पे दिखाई देगा तो वो ज़्यादा रिटेन करेगा स्टूडेंट, और उसके अलावा सिक्वेंस भी अच्छी तरह से उसमें समझा सकते हैं। सेकेंड है ईच कंपोनेंट पार्ट कैन बी प्रेजेंटेड एज द टीचर सेंसेस द स्टूडेंट्स रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट स्टेप यूज़। हर पार्ट जो होता है कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट पार्ट को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है टीचर के द्वारा, जिससे कि स्टूडेंट रेडी रहे नेक्स्ट स्टेप के यूज़ के लिए। तीसरा है टू टेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाइल अदर क्लासमेट्स ऑब्जर्व। इसके द्वारा क्या है, हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं और क्लासमेट इसको ऑब्जर्व। देन है टू मेक मार्जिनल नोट्स ऑन द ट्रांसपेरेंसीज, में मार्जिनल नोट तैयार कर लेता है टीचर फॉर द यूज़ ऑफ द टीचर दैट कैन बी कैरीड विदाउट एक्सपोजिंग डैम टू द क्लास व्हेन प्रोजेक्टेड। जब उसको वो प्रोजेक्ट करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक्सपोज करे अपनी क्लास के सामने, उन जो ट्रांसपेरेंसीज हैं उनको वो केवल स्क्रीन पर उसको दिखा देता है। एज ए रिकॉर्डिंग डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग मिनट्स ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन विजुअली। और ये क्या होता है, एक तरह से रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होती है, जिससे जो ग्रुप डिस्कशन की मिनट्स है वो विजुअली प्रेजेंट हो जाती हैं इसमें। टू गिव इल्यूजन ऑफ मोशन इन द ट्रांसपेरेंसी, जब ट्रांसपेरेंसी एक के बाद एक ट्रांसपेरेंसी स्क्रीन पर आती है तो उसमें इल्यूजन होता है कि जैसे कि मोशन हो रहा है, उसमें हलचल हो रही है।
टू शो स्टैटिस्टिक्स एंड अदर ग्राफ्स ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स ऑफ वेरियस डिजीज। इसके द्वारा हम ग्राफ को भी स्टैटिस्टिक्स को भी अच्छी तरह से शो कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो एक बार पर्पज हम इसके वापस से देखते हैं। पहला है टू डेवलप कंसेप्ट एंड सिक्वेंसेस इन सब्जेक्ट मैटर एरिया। दूसरा है ईच कंपोनेंट पार्ट कैन बी प्रेजेंटेड एज द टीचर सेंसेस द स्टूडेंट रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट स्टेप यूज। टीचर अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाता है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए कितने रेडी हैं स्टूडेंट। तीसरा है टू टेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाइल अदर क्लासमेट ऑब्जर्व। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वो टेस्ट करते हैं। टू शो रिलेशनशिप बाई मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ओवरलेज इन कॉन्ट्रास्टिंग। तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो उसमें जो भी टॉपिक है उनमें आपस में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं हम। टू मेक मार्जिनल नोट्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी फॉर द यूज़ ऑफ टीचर दैट कैन बी कैरीड विदाउट एक्सपोजिंग डैम टू द क्लास वेन प्रोजेक्टेड एज ए रिकॉर्डिंग डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग मिनट्स of a group discussion visually to give illusion of motion in the transparency and to show statistics and other graphs of mortality, morbidity, rates of various diseases. Next आते हैं OHP transparencies. Transparencies are simple to easy to prepare. Simple होती हैं और easy to prepare होती हैं। ये 10x10 इंच शीट होती हैं 10x10 की विथ प्रिंटेड रिटर्न और ड्रॉन मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की प्लेटफॉर्म में रखा जाता है एंड लार्ज इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। और इन्हीं की लार्ज इमेज जो है वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है। द प्रोजेक्टर इज यूज फ्रॉम रेयर टू द फ्रंट ऑफ द रूम। पीछे से प्रोजेक्टर को यूज़ किया जाता है विद द टीचर स्टैंडिंग बिसाइड द प्रोजेक्टर। टीचर बिसाइड में बगल में खड़ा रहता है प्रोजेक्टर के। अब टाइप क्या क्या है ट्रांसपेरेंसीज की, तो दो तरह से इनको दिखाया गया है यहाँ पे। एक तो सिंगल ट्रांसपेरेंसी होती है, एक रोल होती है ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा राइट ऑन थर्मल और इंफ्रारेड, फोटोकॉपिंग एंड इंक जेट फिल्म, ये होती है थर्मल, फोटोकॉपिंग, इंक जेट फिल्म और राइट ऑन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो लैम्प होता है और रिफ्लेक्टर होता है इसमें, ये होता है लैम्प और रिफ्लेक्टर इधर होता है जहाँ से कि इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है कोई भी इमेज को। लैम्प इज लाइट सोर्स। ब्लोअर क्या काम करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट हैव ए कूलिंग फैन बिकॉज द बेस यूनिट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है इसलिए कूलिंग फैन होना इसमें इम्पॉर्टेंट है। एंड द ओवरहेड प्रोजेक्टर रिक्वायर्ड ए फैन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग आउट। ये ब्लोइंग आउट होने से बचाने के लिए इसको फैन की ज़रूरत होती है, तो ये काम करता है ब्लोअर। नेक्स्ट होता है बेस मिरर। बेस मिरर का क्या काम है। ए मिरर कैन बी फाउंड इन द बेस यूनिट विच इज़ एट एन अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ 45 डिग्री के एंगल पर होता है बेस मिरर। देन प्रोजेक्शन स्टेज होता है। दिस इज ए ग्लास सरफेस वेयर ट्रांसपेरेंसीज आर प्लेस टू बी प्रोजेक्टेड। तो यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर क्या है ग्लास स्टेज है। तो इस तरह से इसके पार्ट हो गए लैम्प एंड रिफ्लेक्टर, ब्लोअर, बेस मिरर एंड प्रोजेक्शन स्टेज। अब नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं OHP के। तो पहला है इट डज़ नॉट रिक्वायर डार्कनिंग ऑफ द रूम। रूम की डार्कनिंग की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है अनलाइक ए स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह। देयर बाय अलाउइंग ऑडियंस इंटरेक्शन, इसकी वजह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन भी करते रहते हैं क्योंकि लाइट होती है रूम में। दूसरा इट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रेजेंट वाइल फेसिंग द ऑडियंस। तो फेस जब ऑडियंस की तरफ करते हैं, स्टूडेंट की तरफ करते हैं, तो इसकी वजह से वो पॉसिबल हो पाता है। तीसरा इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड हाई अप टू अनेबल ऑल टू सी क्लियरली। तो ऊपर ये स्क्रीन पे पूरी तरह से इमेज आ जाती है जिससे कि सबको क्लियरली दिखाई देता है। रिलेटिवली इजी टू यूज़ होता है ये। नेक्स्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू स्किप स्लाइड्स।
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कौन सी स्लाइड हमें स्किप करनी है. सिंस ट्रांसपेरेंसीज आर प्रिपेयर्ड द स्पीकर कैन कंसंट्रेट ऑन द टॉक एंड सेव टाइम. प्रिपेयर रहती हैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, तो वो जो स्पीकर है या टीचर है वो कंसंट्रेट रहता है अपनी टॉक पे और इस तरह से अपना टाइम वो सेव कर लेता है. इजी टू प्रोजेक्ट है ये. सिंस मैटर कैन बी टाइप्ड एंड रॉक्स और एक्सटर्नल हेल्प यूज्ड, वन नीड नॉट डिपेंड ऑन वंस ओन हैंड राइटिंग. इसको टाइप भी किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अपने हैंड राइटिंग पर निर्भर रहे इसके लिए. ईजीली अवेलेबल होता है, ईजी टू ऑपरेट होता है, ईजी टू हैंडल होता है ये. प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टेंट इंक्रीजेस अटेंशन स्पैन. तो इसमें क्या होता है, अटेंशन स्पैन बना रहता है स्टूडेंट का या ऑडियंस का, क्योंकि धीरे धीरे डिस्क्लोजर होता है कॉन्टेंट का, इसमें सिक्वेंस वाइज होता है ये. रिक्वायर लिमिटेड प्लानिंग एंड टाइम सेविंग. इसके लिए लिमिटेड प्लानिंग की ज़रूरत होती है और इससे टाइम सेव होता है. तो ये हो गए एडवांटेज. एक बार वापस से देखते हैं एडवांटेज. इट डज नॉट रिक्वायर डार्कनिंग ऑफ द रूम. इट मेक्स इट पॉसिबल टू प्रेजेंट वाइल फेसिंग द ऑडियंस. इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड हाई अप टू अनेबल ऑल टू सी क्लियरली. रिलेटिवली ईजी टू यूज. प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्किप स्लाइड्स. सिंस ट्रांसपेरेंसीज आर प्रिपेयर्ड द स्पीक कर कैन कंसंट्रेट ऑन द टॉक एंड सेव टाइम. इजी टू प्रोजेक्ट. सिंस मैटर कैन बी टाइप्ड एंड रॉक्स और एक्सटर्नल हेल्प यूज, वन नीड नॉट डिपेंड ऑन वन ऑन हैंड राइटिंग. ईजीली अवेलेबल एंड ईजी टू ऑपरेट एंड हैंडल. प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट इंक्रीज अटेंशन स्पान एंड रिक्वायर लिमिटेड प्लानिंग एंड टाइम सेविंग. नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज. अब डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती हैं. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पे ये निर्भर करती है. एज कम्पेयर टू ए स्लाइड प्रोजेक्टर, इट इज़ ए लिटिल बल्की होती है ये, हैंस डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट. इसको शिफ्ट करने में, इधर उधर करने में परेशानी आती है. नीड एक्सेसरीज लाइक ए स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है. तो इनको एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है. स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैंड जिस पे रखा जाएगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटेंशन बोर्ड जहाँ लाइट से कनेक्टेड होगा, सॉकेट. देन सिंस ट्रांसपेरेंसीज कैन बी रीयूज, लिदार्जी में सेट इन सेम ओल्ड ट्रांसपेरेंसी में बी यूज फॉर ईयर्स. ये एक तरह से लिदार्जी बनाती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी वो टीचर बार बार यूज़ करते हैं, उसमें अपडेट नहीं कर पाते हैं. कैन सर्व एज ए डिस्ट्रैक्शन. तो ट्रांसपेरेंसीज यदि सही ढंग से उसमें स्लाइड प्रोजेक्टर में नहीं लगेंगी तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है क्लास में. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ आउटसाइड द क्लासरूम. क्लासरूम के बाहर इसको यूज नहीं कर सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड. इसको ट्रांसपोर्ट करने में कठिनाई आती है. तो डिसएडवांटेज एक बार वापस से रिपीट करते हैं. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. एज कम्पेयर टू ए स्लाइड प्रोजेक्टर, इज इट लिटिल बल्की एंड डिफिकल्ट टू शिफ्ट. नीड एक्सेसरीज लाइक स्क्रीन, स्टैंड, एक्सटेंशन बोर्ड, सॉकेट्स एट्सेट्रा. सिंस ट्रांसपेरेंसीज कैन बी रीयूज्ड, लिदार्जी में सेट इन सेम ओल्ड ट्रांसपेरेंसीज में बी यूज्ड फॉर ईयर्स. कैन सर्व एज ए डिस्ट्रैक्शन. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज आउटसाइड द क्लासरूम एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स. तो आज का हमारा टॉपिक था ओवरहेड प्रोजेक्टर और OHP. ये कई बार नर्सिंग एजुकेशन के शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू.